नमस्कार सभी मैकेनिक भाइयों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज आई हुई है डिस्कवर 125। तो यहाँ पर दोस्तों अक्सर आपके पास सेल्फ मोटर से लेकर कुछ ना कुछ नए से नए फॉल्ट जरूर आए होंगे। किसी की सेल्फ मोटर काम नहीं करती, किसी के चक्कर कम हो जाते हैं, किसी के कार्बन खराब हो जाते हैं, किसी का वन वे खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज इसके अंदर कुछ अलग ही प्रॉब्लम है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जब इसके मैगनेट कवर को ओपन किया तो यहाँ पर मैंने जब इसकी प्रॉब्लम को देखा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में मैं जानकारी दूं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम इसकी सेल्फ़ मोटर को जब यहाँ पर चेक करते हैं, मतलब कि जब हम सेल्फ बटन को प्रेस करते हैं, तो ऐसे में सेल्फ मोटर काम तो करती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा रिस्की है, तो आप अपने रिस्क पर करना। तो मुझे तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इसमें ये करके इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस भाई ने जो है इसकी सेल्फ मोटर के अंदर कार्बन डलवाए थे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम सेल्फ बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी सेल्फ मोटर होती है वो प्रॉपर रन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पर मैकेनिक भाई ने क्या किया, मान लो जैसे कि दूसरे बंदे जो सेल्फ मोटर वाले होते हैं, जिनको वो रिपेयर करते हैं, इनके अंदर कार्बन वगैरह डाल देते हैं, तो सभी तो ऐसे मैकेनिक नहीं है कि वो अपने आप कार्बन इसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है, उस बंदे ने क्या किया, जो वो सेल्फ वाला मैकेनिक था, उसने इसके अंदर सेल्फ के कार्बन डाल के दे दिए। तो यहाँ पर जब ये दोस्तों इसके अंदर उस मैकेनिक ने इसकी फिटिंग कर दी, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जैसे कि हम इसकी मोटर को चेक करते हैं, ये वन वे जब ये काम करता है तो ऐसे में सेल्फ मोटर अपना प्रॉपर काम करती है। और यहाँ पर अब मैकेनिक भाई चक्कर में पड़ गया कि इसके अंदर आखिर में प्रॉब्लम क्या हो गई। तो यहाँ पर चलिए, अब सभी मैकेनिक तो ऐसे नहीं है कि एडवांस है उसकी समझ में ना आए, और सबसे अच्छी बात वो होती है जो मैकेनिक देखिए थोड़ी सी भी शर्म नहीं करता और दूसरे मैकेनिक से जब कोई एडवाइस लेता है, तो मुझे दोस्तों वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसदारी में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है भाई मेरे पास इस बाइक को लेकर आ गया, तो यहाँ पर उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके इसमें प्रॉब्लम है, और जब मैंने इसके सेल्फ मोटर को यहाँ पर रिपेयर करवा दिया तो यहाँ पर ये अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर सेल्फ मोटर तो काम कर रही है, लेकिन ये बाइक इससे स्टार्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको इसमें ये प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है। अब जो सेल्फ वाला बंदा है जिसने सेल्फ मोटर को रिपेयर किया था, वो कहता है कि भाई मैंने तो आपको उसमें ठीक करके दे दी, आपकी जो है मोटर के अंदर कार्बन मैंने डाल के दे दिए, उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप इसको चेक करो, इसके अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, अब ये मेरे पास आ गई है, तो अब मैं आपको इसमें ये बताऊँगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो पहले मैं इसकी सेल्फ मोटर को देखिए आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो सेल्फ कार्बन थे वो वाकई में डले हुए हैं या नहीं। तो चलिए पहले मैं इसके सेल्फ मोटर को बाहर निकाल के आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा, और मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि सेल्फ मोटर वाले अक्सर क्या गलती कर देते हैं, या जो बंदे अपने आप सेल्फ मोटर के अंदर कार्बन डालते हैं उनसे क्या अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर चलिए पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों आपको इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको यहाँ पर टेस्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पर हालांकि बैटरी मेरे पास छोटी है, तो यहाँ पर जब मैं इसको चेक करता हूँ तो सेल्फ मोटर हमारी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जब हम इसको देखिए दोनों तरफ से चेक करते हैं, मतलब कि इसको सीधे राउंड में भी और उल्टे राउंड में भी, तो कहने का मतलब ये राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से सही घूम रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर कोई इशू नहीं है, मोटर तो अपना प्रॉपर काम कर रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, अब प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, शायद इसके वन वे के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो मैं पहले आपको उसको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो सेल्फ कार्बन डले हैं, क्या उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसका जो वन वे होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है। तो चलिए, ये तो मैं आपको इसको ओपन करके ही दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना, और जिन भैया दोस्तों अब तक हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लेना। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इतना ओपन कर लिया है, इसके ऊपर जो कटोरी होती है, इसके ऊपर यहाँ पर ये दो वार्सल होती है, ठीक है। तो इसके बीच का ये पार्ट अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका आर्मेचर है, आर्मेचर को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो इसके यहाँ पर ये सेल्फ कार्बन है, ये इसके अंदर नए डले हुए हैं, अभी देख लो, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं, ये तो तकरीबन घंटे दो घंटे पहले की ही बात है, ठीक है। यहाँ पर तो देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो है अब क्या गड़बड़ हुई है,
मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जो मैकेनिक भाई इसको समझ गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देना कि हाँ इसके अंदर यही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर सेल्फ कार्बन से लेकर कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर इसके अंदर दो प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। यहाँ पर जो सेल्फ कार्बन होते हैं, अगर ये पलट के पड़ जाते हैं, याद रखिए अगर ये पलट के पड़ जाते हैं तो यहाँ पर इसके चक्कर उल्टे हो जाते हैं, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो सेल्फ कार्बन है ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो बंदा था जिसने इसके अंदर ये कार्बन डाले थे वो बिल्कुल सही डाल दिए, ठीक है। इसके अंदर जो है ये उल्टे कार्बन डले हुए नहीं है, ये बिल्कुल सीधे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव साइड में लग गया और जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव साइड में लग गया। लोहे वाला भाग ये लोहे का जो बॉडी अर्थ काम करता है, और जो ये इसके अंदर ये प्लास्टिक वाली प्लेट है जो यहाँ पर, ये इसके अंदर पॉजिटिव साइड में आएगी, ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो देख लेना ध्यान से दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपकी सारी उम्र काम आएगी। तो यहाँ पर ये हमारे बिल्कुल ओके है, इसको मैंने चेक कर लिया था, ठीक है। तो मैंने पहले यहीं पर ही डाउट अपना दूर करना चाहा था, तो अब मैं पहले इसको फिट कर लेता हूँ। दोस्तों इसका मेन पॉइंट का राज इसी सेल्फ मोटर के अंदर छिपा है, कभी आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें तो आप ये गलती मत करना। देखिए यहाँ पर जो है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है वो इस सेल्फ मोटर के कारण ही हो रही है, ना कि इसके वन वे के कारण, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलिए जल्दी से पहले इसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे मैं दिखाता हूँ कि इसमें आखिर में क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते हमारा जो है ये सेल्फ मोटर काम तो कर रहा है लेकिन हमारी बाइक को वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर देखिए, हमने कार्बन जैसे थे इनको वैसे ही फिट कर दिया, तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ जो है अपना ये डाउट ही दूर करना था। तो यहाँ पर जब आप इसके सेल्फ कार्बन अपने आप डालें तो यहाँ पर आपने जो है इसके द्वारा कोई स्क्रू ड्राइवर जो पतले वाला होता है पिन पेचेस, इसके द्वारा इनको रोक लेना है कार्बन को, और यहाँ पर जो आर्मेचर होता है आपने साफ करके इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो इसका ये बीच का पार्ट होता है जिसके बीच में यहाँ पर ये दो मैग्नेट यहाँ पर चिपके हुए होते हैं, एक साउथ पोल और दूसरा है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर इनका काम होता है, जब हम किसी भी चुंबक को आपस में देखिए जोड़ते हैं तो वो जो है एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, तो ये इसका काम होता है। अब यहाँ पर जो ये बीच का पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये दो तरीके से इसके अंदर डलता है। देखिए अगर मैं इसको मान लो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से इसको मैं डालता हूँ, तो ये जो हमारा इसका रूटर है ये इसका राइट साइड में घूमेगा, और अगर मैं इसको यहाँ पर पलट के यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ तो यहाँ पर ये जो है राइट की जगह लेफ्ट में घूमने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसमें एक सबसे बड़ा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, जो ये इसका बीच का पार्ट है, यहाँ पर इसके ऊपर तो यहाँ पर ये कटबे लगे होते हैं, एक नीचे की तरफ और दो ऊपर की तरफ। अगर आपको ये कट इसमें ना भी मिले तो आप अपने मार्कर के द्वारा इसमें जो है ये कट लगा सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये हिस्सा जो है इसका नीचे की तरफ आएगा और दूसरे वाला इसका हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे आपको इसमें ये बाद में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसकी ये मोटर उल्टी घूम रही थी, तो इसका यही एक मेन रीज़न था जिसके चलते यहाँ पर जो हमारी सेल्फ की मोटर थी इसके अंदर कार्बन तो डल गए अपनी जगह, ठीक, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव हिस्से में और नेगेटिव वाला नेगेटिव हिस्से में वो बिल्कुल डल गया। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी का पॉजिटिव देते हैं तो वहाँ पर ये जो इसका बीच का पार्ट था ये उल्टे डलने के कारण यहाँ पर ये इसके राउंड उल्टे बन गए थे, जिसके कारण होता क्या है, जब हम इसमें ये सेल्फ बटन दबाते हैं और मोटर घूमती है तो जो हमारा वन वे होता है वो हमारा लेफ्ट साइड घूमने की बजाय वो जो है इसका राइट साइड में घूम रहा था, जिसके कारण जो इसका वन वे है सिर्फ वही घूम रहा था, ना कि इसके साथ जो मैग्नेट होता है वो घूम रहा था। तो अगर मैग्नेट इसके साथ घूमता तो बाइक हमारी तुरंत स्टार्ट हो जाती। तो अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर फिट कर लिया है, मैं आपको इसको एक बार चेक करा दूँ। देखिए यहाँ पर हमारी मोटर प्रॉपर उसी तरीके से काम कर रही है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इसके अंदर अगर गलती हो जाती है तो हमारी सेल्फ मोटर तो घूमती रहेगी लेकिन फ़र्क ये होगा इसके राउंड जो है उल्टे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इसको फिट कर लिया है, अब मैं आपको इसको इंजन में फिट करके दिखाता हूँ क्या ये अब हमारी जो है मोटर प्रॉपर काम करेगी या नहीं, क्या इससे जो है ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी या नहीं, इससे इंजन स्टार्ट हो पाएगा या नहीं। तो अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी लग रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक करना ना भूलें। तो अब यहाँ पर हमने इसके सेल्फ मोटर को फिट कर लिया है और यहाँ पर जो इसके साथ ये यहाँ पर दो ग्रारी अटैच होती है इसको भी हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको डालेंगे तो मैं उसी तरीके से आपको उसको चेक कराऊंगा कि पहले ये जो था इसका राइट साइड में जो था वन वे घूम रहा था, मतलब कि जिस साइड में ये फ्री रहता है ये उसी साइड में ही घूम रहा था। तो अब यहाँ पर क्या जो हमारा वन वे है ये अपोजिट साइड में घूमेगा या नहीं, तो चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए जब हम इसमें सेल्फ लगा रहे हैं तो इसके साथ जो ये घूमेगा वन वे, तो ये अब इसके मैगनेट को साथ ही घुमाता है, तो इससे जो है हमारा इंजन अब स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इसका जो है वन वे अब प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर चलिए मैं पहले इसको फिट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको जो हूँ इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देखा प्यारे दोस्तों आप लोगों ने, इसके अंदर एक छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और मैकेनिक भाई जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो वो जो है इसके वन वे को भी यहाँ पर जो है चेंज करने के लिए तैयार हो गया था अगर वो मुझे कॉन्टैक्ट ना करे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये छोटी सी गलती कभी आपके सामने आई होगी तो प्लीज़ मुझे अपना रिप्लाई कॉमेंट बॉक्स में देना ना भूले। तो दोस्तों अगर वीडियो में आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।